नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान जीवीविद यूनिवर्सिटी ऑफ वेदा में एक बार फिर स्वागत है। वेद स्वाध्याय के अगली कड़ी को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वेदों का विज्ञान और जीवन विज्ञान आज का विषय है। जीवन विज्ञान यजुर्वेद का बहुत सुंदर मंत्र है जो इसकी व्याख्या करता है। स्वारिम स्वादुनाम तीव्राम तीव्रेणामृताम अमृतेन मधोमतिम मधोमताम सृजामि सम सोमेन सोमो अश्विभ्याम पच्यस्व सरस्वती पच्यस्विन्द्राय सूत्राम्रे पच्यस्व। ऋषि प्रजापति देवता सोम छंद नित्रित सक्वरी स्वर धैवत। प्रथम मेरे जीवन सम सोमेन सृजामि संयुक्त होकर सोम से बनाता हूँ। स्वादिम त्वा स्वादुना तुझे स्वादयुक्त सुस्वादु से, तीव्राम तीव्रेणा तीव्रगामी तीव्रता से, अमृताम अमृतेन अमृतमय अमृत से, मधुमतिम मधुमताम मधुमय मधुरता से। द्वितीय मेरे जीवन सोम असी सोम है तेरे साथ मेरे साथ, अश्विभ्याम पच्यस्व अश्वियों के लिए परिपक्वताला, सरस्वते पच्यस्व बाणियों के लिए परिपक्वताला, इंद्राय सूत्राम्रे पच्यस्व सुतारक इंद्र आत्मा के लिए परिपक्वताला। वेद जीवन के ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में जहाँ गुण गुणी का ज्ञान है, वहाँ यजुर्वेद में क्रिया विज्ञान है। सृजन की विधा है, जिस परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर प्रदान कर जीवन दिया तो उसको यह भी जरूरी था कि वह हमें जीने की कला भी सिखाता। वेदों में सर्वत्र यही जीवन विज्ञान विविध रूपों में भरा पड़ा है। आवश्यकता है इस बात की कि हम उससे लाभ उठाएं। आज संसार में एक अजीब स्थिति है, जीना सब चाहते हैं पर शिकायत यही रहती है कि जीने का मजा नहीं रहा। किसी को शिकायत है कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, हम किसी के न हुए और कोई हमारा ना हुआ। किसी को शिकायत है कि हमारी तो सारी उम्र रोते रोते ही कटी जा रही है या कट गई। किसी को शिकायत है कि हम तो खुशियों को तरसते ही रहे, चाहे आम आदमी हो या महात्मा बुद्ध या गुरु नानक। दुखों के विषय में सबका अनुभव एक ही जैसा रहा है। नानक दुखिया सब संसार, दर्शन शास्त्र के पंडिताओं से लेकर आज तक ऋषियों का महात्माओं का संतों का चिंतन का प्रमुख विषय यह रहा कि दुखों से निवृत्ति कैसे हो। वेद का दृष्टिकोण अनादिकाल से ही यह रहा है कि संसार न दुखमय है न सुखमय है। यह तो वैसा ही है जैसी हमारी दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि कैसी है यह निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसा है। यदि हमारा जीवन भोग का जीवन है तो सुख से सुखी और दुख से दुखी होंगे, परंतु यदि हमारा जीवन योग का जीवन है तो सुख में दुख में हानि में लाभ में मान में अपमान में यश में अपयश में हम सम अर्थात संतुलित ही रहेंगे। वास्तव में समत्वम योग उच्यते, गीता में योगेश्वर कृष्ण ने कुछ इसी प्रकार से कहा है, अर्थात समभाव ही योग है। जीवन में समता स्थित प्रज्ञता कैसे आए, यजुर्वेद के 19वें अध्याय का यह प्रथम मंत्र बहुत ही सुंदर क्रिया विज्ञान बताता है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रजापति और देवता यानी विषय है सोम। सोम का सामान्य अर्थ है सौम्यता शालीनता स्निग्धता, इसलिए यजुर्वेद के 19वें अध्याय के दूसरे ही मंत्र में आया सोमो अय उत्तमम हवि, जीवन यज्ञ में सोम श्रेष्ठतम हवि है। यूं संपूर्ण वैदिक वांग्मय में सोम शब्द अनेकार्थी है। सुई अभिषव और सु प्रेरणो और सु प्रस्वैर ऐश्वर्यो, इन सभी धातुओं से मन प्रत्यय के योग से सोम पद सिद्ध होता है। जिसकी उपासना की जाती है, जो सबको सन्मार्ग का प्रेरणा देने वाला है, जो सबका उत्पादक और सबको आनंद तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, ऐसे गुण वाले परमात्मा का एक प्रिय नाम सोम है। वेद के अनेक मंत्रों में सोम परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है।
सोमो वा इंद्र सतपथ, सोम इंद्र है, सोमो ही प्रजापति, सतपथ 5:1-5:26 सोम ही प्रजापति है, चंद्रमा वह सोम है, आह्लाद शीतलता व शांति से युक्त चंद्रमा सोम है, औषधि राजा या सोम, सोम औषधि है, गैस्फानो अमिवाहा वसुवित पुष्टिर्वर्धन, ऋग्वेद प्राणवर्धक रोगनाशक ऐश्वर्यदायक और पुष्टिकारक, यह चार विशेष गुण सोम औषधि के, सोम पीयूष है, इदम पयो अमृतम मधु यजुर्वेद, यह अमृत पेय है, सोमम सूर्यस्य दुहिता यजुर्वेद 19:4 सोम सूर्य की दुहिता है अर्थात उषा है, सोम प्रेम है, सोम रारंधी नो हृदि ऋग्वेद, सोम प्रेम हमारे हृदय में रम रहा है, सोम नी पाय हंस ऋग्वेद, सोम पापाद से रक्षा करने वाला है, सोम भक्ति रस की वह धारा है जिसको पान कर भक्त अमरता का अनुभव करने लगता है, अपाम सोममृता अभोम ऋग्वेद, किसी लाइलाज मर्ज के मरीज को यदि कोई कहे कि तेरे मर्ज की औषधि मिल गई है तो उसके लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। इसी प्रकार जिनको जिंदगी में बेमजा लग रही है, नीरस हो चुकी है, दुखों से टूट चुके हैं, उनके लिए मंत्र में वेदमाता प्रस्तुत कर रही औषधि राज सोम। देखो जन्म देने वाले माता पिता हैं, पर जीवन देने वाला परमेश्वर है, जन्म की मृत्यु है जीवन की नहीं, जीवन तो सृष्टि पर्यंत सतत प्रवाहित होने वाली धारा के समान है, इस शाश्वत जीवन को सत्य शिव सुंदर बनाने के लिए उस शाश्वत नित्य और पवित्र सत्ता का आश्रय लेना ही पड़ेगा जो स्वयं ही सत्य हो, शिव हो, सुंदर हो, वह है एकमात्र परमेश्वर जिसको मंत्र में सोम से ग्रहण किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक को अपने जीवन को स्वयं बनाना है, कोई दूसरा व्यक्ति किसी के जीवन को बना नहीं सकता, बताना बात और है और बनाना बात और है, आप मुझे बता तो सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, पर बनाना तो मुझको ही पड़ेगा, जैसा जीवन मैं बनाऊंगा वैसा बनेगा, जीवन तो जीवंत बनाने की क्रिया तो मैं ही स्वयं कर सकता हूँ, अतः यह निश्चय भी मैंने ही किया करना है कि मैं अपने जीवन को बनाऊं, जीवन साधना की ओर अग्रसर हूं। मंत्र में इसलिए आत्मा साधक वेद माँ के द्वारा कहता है, सम सोमेन सृजामि, मैं सोम से संयुक्त होकर जीवन को सुसज्जित करता हूं, बनाता हूं, यह मेरे जीवन विधान के उपक्रम का शुभारंभ है, इसमें साधन और साध्य दोनों का समावेश है, मेरा लक्ष्य भी निश्चित हो गया है, निश्चित ही मुझे अपने जीवन को बनाना है, मैंने सोम परमेश्वर का आश्रय लिया है, बहुत ही प्यारा है यह सोम, मैं तो यों ही परेशान था, भटक रहा था, सोम से युक्त होते ही मुझे कितना तसल्ली मिली, कितनी राहत मिली, मेरे संतप्त हृदय को कितनी शांति मिली, मैं क्या बताऊं, वेद तो स्वयं ही कह रहे हैं, त्वं सोमं प्रचीकितो मनीषा त्वं रजिष्ठ मनुनेसी पंथां तौ प्रणीति पितरो न इंद्रो देवेषु रत्नं भजन्त धीरा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 52। सोम तो उत्कृष्ट मनीषा प्रज्ञा से चिताने वाला है, तू सरलतम पथ पर प्रकृष्टतया से ले जाता है, तेरे प्रणय में हे चंद्रमा के समान दयार्द्र शीतल स्वभाव सोम हमारे पितर बुजुर्ग तथा धीर पुरुष दियों में रत्नों में रमणीयता से प्रतिष्ठित होते रहे हैं, इसलिए आत्म साधक कहता है कि मैंने अब सोम का आश्रय नहीं छोड़ना है, लागी नहीं छूटे रामा, मैं सोम से भली प्रकार संयुक्त होकर अब अपने जीवन में सोम का ही सृजन करता हूँ, स्वादुम त्वा स्वादुना, जीवन मैं तुझे स्वादयुक्त करता हूँ, सुस्वादु से जिंदगी को न बेजायका टेस्टलेस रहने दूंगा, न बदजायका बैड इन टेस्ट, मैं इसको स्वादयुक्त टेस्टफुल बनाऊंगा, भोजन में जायका आता है अच्छे भोज्य पदार्थ को लेकर उचित मात्रा में मसालों को डालकर विधि पूर्वक अग्नि पर बनाने से, इसी प्रकार शरीर आत्मा को सुंदर व स्वस्थ रूप में लेकर उचित गुणों का सम्मिश्रण करके मैं विधि पूर्वक जीवन को अग्नि जो परमेश्वर का ही स्वरूप है तपाऊंगा, जीवन तप कर स्वादिष्ट हो जाएगा, भद्र चिंतन
भद्र दृष्टि, भद्र श्रवण, भद्र वाणी, भद्र संकल्प, भद्र भावना, भद्र आहार, भद्र व्यवहार, भद्र कर्म से मेरे जीवन में सर्वत्र भद्रता होगी, अभद्रता रहेगी नहीं। दुनिया चाहे बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी, मुझे क्या, मैं तो वह फूल बनूंगा जो कांटों में भी मुस्कुराता है। मैं तो परिष्कृत स्वादों से युक्त इंसान बनूंगा। आई शैल बी अ मैन ऑफ रिफाइंड टेस्ट। मेरी रुचियां परिष्कृत होंगी, वे सत्संग, स्वाध्याय, सदाचार, सेवा और साधना में प्रवृत्त होंगी। इंद्रियागत विषय वासनाओं में नहीं, मैं भी स्वादयुक्त और मेरा जीवन भी सुस्वादों से भरपूर होगा। क्यों न होगा, अवश्य होगा, क्योंकि मैंने सोम का स्वाद ले लिया है, इससे बढ़कर दूसरा स्वाद कहाँ। तीव्राम तीव्रेण, तीव्रगामी बनकर मैं जीवन में अब तीव्रता लाता हूँ। जब जीवन निरस और स्वादहीन लगता था तो अकर्मण्यता और शिथिलता आ गई थी, किसी कार्य में चित्त लगता ही न था, प्रत्येक कार्य एक बोझ लगता था। अब जीवन में मैंने रस का, स्वाद का, उत्साह का सृजन कर दिया है, अब शिथिलता तथा निष्क्रियता का मेरे जीवन में क्या काम। अब तो हर काम में तेजी, फुर्ती और चुस्ती का बोलबाला है, मैं तीव्रगामी बन गया हूँ, अपने मन को, शुभ संकल्पों को शीघ्र से शीघ्र पूरे करने में लग गया हूँ। जीवन में चारों पुरुषार्थों को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं जान गया हूँ कि गति जितनी तेज होगी, मंजिल उतनी ही जल्दी मिल जाएगी। मेरा विश्वास अब कार्यों को निपटाने में है, टरकाने में नहीं। मुझे अब देरी, ढील ढाल बिल्कुल ही नहीं सुहाती। तीव्रता, गतिशीलता और अनथक परिश्रम मेरे जीवन के अंग बन गए हैं। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि मैंने सोम का आश्रय लिया है, जिसको ऋचा कहती है, वायो पूतः पवित्रेण प्रत्यंगम सोमो अति द्रुतः। यजुर्वेद 19 अध्याय मंत्र 3। वायु से प्रतिष्ठित सोम पवित्रता के साथ अत्यंत द्रुत गति से धावन करने वाला है। सोम से संयुक्त होकर मेरे जीवन में मानव पंख लग गए हैं। मैं ऊंचाइयों पर तीव्रता से पहुंच जाना चाहता हूँ। अमृतान अमृतेन, सोम अमृत है, इसी अमृत का अपने जीवन में सृजन कर मैं जीवन को अमृतमय बनाता हूँ। मैं समझ गया हूँ, आनंद जीवन की सफलता में है। यह जीवन मुझे मिला ही इसलिए है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में, जो मेरा धर्म क्षेत्र है, सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करूँ। मेरा लक्ष्य अब शारीरिक सुखों की प्राप्ति नहीं, मेरा लक्ष्य अब आत्मिक आनंद है। सोम तो स्वयं आनंद प्रदाता है, सूर्याह सोमा सुत आसुतो मदाय। यजुर्वेद 19:5। शुद्ध और नितांत शुद्ध सोम सुरमणीयता के साथ अपूर्व आनंद प्रदान करने वाला है। यह मेरे ब्रह्मबल और छत्रबल दोनों को पवित्र करता है। मेरे जीवन में तो अब आनंद ही आनंद है। आनंद तो अनुभूति का विषय है, मैं वाणी से इसका बखान कर ही नहीं सकता। मेरे चारों ओर मस्ती ही मस्ती है। सोम से युक्त होकर मैं जिधर देखता हूँ उधर सोमामृत ही पाता हूँ। मधुमतिम मधुमता, मधुमय बना जीवन मेरा संपूर्ण माधुर्य से। जीवन जब संतप्त था, दुखों और क्लेशों से घिरा था, मेरी मधुरता समाप्त हो गई थी, कटुता ने घर कर लिया था, सब कुछ कड़वा लगता था। सोम से युक्त होकर मेरी कड़वाहट जा चुकी है। अब तो स्थिति यह है, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा बदामी मधु मद भूयासम मधु संदृश। अथर्वेद अध्याय 1 सूक्त 34 मंत्र 3। मैं मिलता हूँ तो मधुरता से, बिछुड़ता हूँ तो मधुरता से, वाणी में मेरे मिठास है, मधु के समान मधुरता मेरे सारे जीवन में व्याप्त हो गई। कोई शय मेरी फितरत को अब बदल नहीं सकती, मेरी आदत जो पड़ गई है अब मुस्कुराने की। सोम असी, सोम मेरे जीवन में समा गया है, मैंने समताओं को प्राप्त कर लिया है, मैं सोम के सदृश हो गया हूँ, मेरी साधना रंग ले आई है, मेरा जीवन अब सोम ही सोम है। क्या अब कुछ करना शेष है, वेद माता का उत्तर है, हाँ, अभी तुझे जीवन में अस्थायित्व लाना है, परिपक्वता प्राप्त करनी है। देखो, ऊंचाइयों पर पहुंच जाना एक बात है, ऊंचाइयों पर बने रहना, जीवन में गिरावट न आने देना, यह दूसरी बात है और यही महत्वपूर्ण है। जीवन की सारी साधना व्यर्थ हो जाती है यदि व्यक्ति ऊंचा उठकर भी पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। पतन ही व्यक्ति को पतित बना देता है।
एक दृष्टि से पतन ही मृत्यु है। वैसे भी समतल धरातल पर कोई गिरे तो शायद चोट खाकर पुनः खड़ा हो सकता है, परंतु यदि ऊंचाइयों से गिरे तो मृत्यु निश्चित है। मंत्र में जीवन का संपूर्ण विज्ञान है, अतः वेद माता कहती हैं कि सोम के समान बनकर जीवन भर सोम बने रहो। इसके लिए भी तीन क्रियाओं का निर्देश है, अश्विभ्याम पंच स्व अश्वियों के लिए परिपक्वता ला, सरस्वती पंच रूप वाणियों के लिए परिपक्वता ला, इंद्राय सूत्रामणे पंच स्व सुतारक इंद्र आत्मा के लिए परिपक्वता ला। तीनों ही निर्देशों में जो शब्द समान रूप से प्रयुक्त हुआ है वह पंचस्व जो पका हुआ है परिपक्व है वही पंचस्व है वही पाचक है। अस्थायित्व के लिए परिपक्वता अत्यंत आवश्यक है। दृढ़ और स्थित प्रज्ञ वही हो सकता है जो परिपक्व मैचर्ड है, जो कच्चा या अपरिपक्व इमैचर्ड है वह जल्दी ही मात खा जाएगा। जीवन में परिपक्वता और दृढ़ता मैच्योरिटी एंड स्टेडफास्टनेस का अपना ही महत्व है, अतः मंत्र में उस पर विशेष बल दिया गया है। लोक में कहावत है, नीम हकीम खतरा ए जान, नीम मुल्ला खतरा ए ईमान। तो वेद में भी कहीं भी आधे अधूरेपन की बात नहीं है, यहाँ तो पूर्णता परफेक्शन की बात है, परिपक्वता होने की बात है। तो पहला निर्देश है अश्विभ्याम पंचस्व। वेद में अश्विभ्याम शब्द उन अश्वियों के लिए आया है जिनको जोड़े पेयर्स के रूप में लिया जाता है, जैसे देव पृथ्वी, प्राण अपान, दिन रात्रि, स्त्री पुरुष, नर नारी, माता पिता, पति पत्नी, दिल दिमाग आदि विस्तार से पृथक न कहकर एक ही शब्द में कहना हो तो अश्विभ्याम कह दीजिए। एक दूसरा चिंतन और वह यह कि अश्व कहते हैं घोड़ों को, अश्विभ्याम हुआ आशुगामी। घोड़ों के लिए हर मनुष्य के पास दो आशुगामी अश्व हैं, वे हैं मस्तिष्क और हृदय, दिमाग और दिल, माइंड एंड हार्ट। मस्तिष्क की विचार तरंगों की गति एक सेकंड में 67,22,000 मील बताई जाती है। हृदय की भाव तरंगों संकल्पों की गति एक सेकंड में 81,00,000 मील आंकी गई है। गति कुछ भी हो, जो बात निर्विवाद है वह यह कि मस्तिष्क और हृदय की उड़ान बहुत आशुगामी, दूरगामी और ऊर्ध्वगामी है। वेद वहाँ अश्वियों के माध्यम से जो संकेत दे रही हैं वह संक्षेप में यदि कहा जाए तो है मस्तिष्क और हृदय की परिपक्वता, मेच्योरिटी ऑफ माइंड एंड मेच्योरिटी ऑफ हार्ट। दिल और दिमाग के कच्चे हम नहीं होने चाहिए, दिल भी पक्का और दिमाग भी पक्का, तभी तो हम दृढ़व्रती और स्थित प्रज्ञ होंगे। निश्चयात्मकता हृदय से और स्थिरता मस्तिष्क में स्थित स्थिर बुद्धि से ही तो आती है। अतः परिपक्वता के विषय में जो पहला निर्देश है मंत्र में वह है मस्तिष्क और हृदय की परिपक्वता। यह परिपक्वता कौन लाएगा जीवन में? उत्तर है सोम से युक्त। सोम का आश्रय केवल आगे बढ़ने और ऊंचे उठने के लिए ही नहीं लेना, वरन परिपक्वता जीवन में लाने के लिए सोम से जीवन पर्यंत युक्त रहना। दूसरा निर्देश है सरस्वती पंचस्व, सरस्वती वाणी के लिए परिपक्वता ला। सरस्वती वाणी ही सरस्वती है। मोटे तौर से वेद माँ का निर्देश है कि जवान का कच्चा न बन, जुबान का पक्का बन। वाणी साधन है संप्रेषण, कम्युनिकेशन का संप्रेषण सही हो, सरस हो, सुबोध हो, सीधा और सत्यार्थ हो। इसके लिए वाणी की परिपक्वता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद में सरस्वती को वाग देवी कहा गया है। यम या परमेष्ठिनी वाग देवी ब्रह्म संसिता यो सृजे घोरम तयु शांतिरस्तु नः। यह जो परम प्रतिष्ठित वाग देवी वाणी रूपी दिव्य शक्ति है घोर अशांति का कारण भी हो सकती, परंतु यही वाणी जब ब्रह्म संसिता ब्रह्म ज्ञान से मज कर परिपक्व हो जाती है तो हमारे लिए शांति प्रदाता हो जाती है। वाणी के परिपक्वता में वाणी की मधुरता भी शामिल है जो सोम से जीवन पर्यंत संयुक्त रहने से ही सिद्ध हो सकती है। अंतिम बात इंद्राय सूत्रामणे पंचस्व, सुतारक इंद्र के लिए परिपक्वता ला। मनुष्य शरीर में आत्मा ही इंद्र है, यही सुतारक तारने वाला है। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है और आत्मा ही आत्मा का परम मित्र है तथा रक्षक है। आनंद आत्मा का विषय है, आत्मज्ञान और आत्मबल इसके आधार है। आत्मज्ञान और आत्मबल की परिपक्वता जीवन पर्यंत आनंद में विचरण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तेषां ज्ञानिम नित्ययुक्तम
एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमम सच मम प्रिय। जो ज्ञानी नित्य ही एक परमेश्वर से युक्त रहकर उसी की भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा अनुसार जीवन यापन करता है वही परमात्मा का प्रिय है। मुख्य बात आत्मा की परिपक्वता के लिए भी वही सोम परमेश्वर से युक्त रहना है। ऐसा सुतारक सबको दुखों से तारने वाला है। ऐश्वर्यशाली इंद्र महान आत्मा ही अपने जीवन यज्ञ में सफल होता है। शतपथ ब्राह्मण 12:9-11 में भी यही कहा गया है कि सौत्रामणि शरीर है, यजमान मन है, धड़ वेदी है, प्रज्ञा उत्तर वेदी है, अंग ऋत्विज हड्डियां ईंधन है, मज्जा घी है, अग्नि मुख है, आहुतियां अन्न है, आयु संस्था है। इसलिए जो सौत्रामणि यज्ञ करता है जो कि इंद्र का ही यज्ञ है, शतपथ ब्राह्मण 12:8-24 वह सबको जीत लेता है, सबको प्राप्त कर लेता है। शतपथ 12:8-36 शतपथ ब्राह्मण के अलंकारिक वर्णन से भी यह स्पष्ट है कि जीवन यज्ञ में इंद्र आत्मा का ही ज्ञान और बल से परिपक्वता चारों पुरुषार्थी को सिद्ध कराने वाली है। आइए हम और आप अपने जीवन को बनाएं सोम परमेश्वर से युक्त होकर संसार में सोम का सृजन करें। वह सोम परमेश्वर मन बुद्धि दिल दिमाग वाणी तथा हमारी आत्मा में परिपक्वता लाए जिससे हम एक जीवंत और सफल जीवन जीकर परम पद और परमानंद को प्राप्त हो सकें और कह सकें क्या मिटाएगी मुझको यह गर्दिश दौरा कि मैं यकीन हूँ एक अजम एक इरादा हूँ।